भिलाई में बन रहे नेशनल हाईवे फ्लाईओवर ब्रिज पर वर्कर्स द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर यहां ऊंचे स्थानों पर काम कराया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट भिलाई से। आप अभी जो अपनी टीवी स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हैं वो पावर हाउस स्थित बन रहे फ्लाईओवर का है, जहां बिना किसी सेफ्टी बेल्ट बांधे यहां वर्कर इतने ऊंचे स्थान फ्लाईओवर पर काम कर रहे हैं। इन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि कहीं गलती से इनका हाथ छूटता है तो ये सीधे जमीन पर जा गिरेंगे, जिससे इनकी जान भी जा सकती है। जब हमने इन्हीं वर्करों में से नीचे खड़े एक वर्कर से बात करनी चाही तो इनका जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इनका क्या कहना है जरा आप भी सुनिए। भैया कि आप लोग ऊपर चढ़े हैं, इसका सेफ्टी बेल्ट क्यों नहीं बांधे आपके? हम लोग सेफ्टी बेल्ट पहन के काम नहीं कर पाते भाई। क्यों? अगर ऊपर से गिरोगे आप लोग, अगर वो भरे मर जाएंगे, वो चलेगा? ऐसा बांध के काम ही नहीं होता ना, बार बार ऊपर नीचे होना है यार। सेफ्टी बेल्ट नहीं बांधना चाहिए ऐसा ऊपर के हाईवे में काम करने से? एक मिनट बुला दे रहा हूँ यार, जिससे मिलना है आपको। आप बताइए ना, सेफ्टी आप बोल रहे हो कि हम लोग बांधना नहीं है, सेफ्टी बेल्ट बांध के नहीं काम करते हैं, तो वही पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि आप जो है ऊपर चढ़ के अगर गिर जाएंगे तो आप जो चढ़े हुए आपके वर्कर कैसा लगेगा? मैं वो ठेकेदार नहीं हूँ भाई, मैं भी वर्कर ही हूँ, हम लोग भी काम कर रहे हैं। काम नहीं करना है हम लोग को, नहीं जानता है ऊपर। हेलो अन्ना, अरे थोड़ा यहाँ आओ तो। ये क्या बोलते हैं, कौन से चैनल वाले हो भाई आप? ग्रैंड डिलन चैनल वाले आए हैं, थोड़ा बुला रहे हैं। अरे वही मेरे सुपरवाइजर को, तो आप ही मेरे को कि आओ यहाँ पे, देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं। इनके अलावा और भी यहाँ ऐसे वर्कर्स मौजूद थे। क्रेन मशीन पर चढ़कर एक व्यक्ति द्वारा वेंडिंग किया जा रहा है, तो वहीं काम के समय दूसरा व्यक्ति बैठकर मोबाइल देख रहा था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने ठेकेदार से बात करनी चाही तो वे इस मामले को लेकर कुछ कहने से बचते नजर आए और गाड़ी स्टार्ट की और भाग निकले। यहाँ सभी काम करने वाले मजदूर बिना सेफ्टी बेल्ट के फ्लाईओवर के ऊंचे स्थानों पर काम कर रहे हैं। क्या इस काम को NS के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है? दुर्घटना किसी को बताकर नहीं आती, ऐसे में चाहिए कि जिम्मेदार अधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण म्यूजे की रिपोर्ट।